चटपटी लटपटी मज़ेदार सी बैंगन आलू की सब्जी, गर्मा गर्म चावल और ऊपर से खट्टी मीठी चटनी, ये कॉम्बिनेशन खा के ना आपको मज़ा आ जाएगा। देसी खाना है, देसी खाना सबको बहुत पसंद आता है। मुझे तो ये गर्मा गर्म चावल के साथ बैंगन आलू की सब्जी ना बहुत पसंद है। और ये लटपटी सी बैंगन आलू की सब्जी, रोज़ वाली सब्जी बनाना आज आपको बताती हूँ मेरे तरीके से। आप टेक्स्चर देखो, इतनी टेस्टी है ना कि रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ बहुत अमेजिंग लगती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। आइए तो शुरू करते हैं रोज वाली सब्जी बनाना। कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी राई आधा चम्मच, और यह है जीरा एक चम्मच, और साथ में थोड़ा सा मेथी दाना है 1/4 स्पून के करीब। बैंगन आलू में मेथी दाने का स्वाद ना बहुत अमेजिंग लगता है, डालना जरूर। साथ में हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, तो कम से कम मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 प्याज है मीडियम साइज के। बैंगन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आप कितने बैंगन आलू बना रहे हैं। तो मैंने प्याज को भूनना है जब तक ये अच्छे से कलर में ब्राउन नहीं हो जाते हैं। और ये बैंगन आलू ना अगर आपने एक बार बना लिया आप हमेशा खाएंगे। जब तक प्याज भून रही है तब तक हमने यहाँ पे देखिए 4-5 टमाटर लिए हैं, लहसुन लिए 8-10 कली, और अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, इनको हम डाल के प्योरी बना लेते हैं जार में डालकर। और इस तरीके से बनाएंगे तो ये लटपटी सी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छा सा स्वाद भी आता है। इसको ग्राइंड करके हमने प्योरी बना लिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी भून के तैयार हो चुकी है, एकदम कलर चेंज हो चुका है। तो फटाफट से इसमें डाल देते हैं बेसिक मसाले। मसाले में हमने लिया है कसूरी मेथी है 1/4 स्पून आधा चम्मच, और यहाँ पर है किचन किंग मसाला, नहीं हो तो स्किप कर देना। लाल मिर्च है देगी लाल मिर्च आधा चम्मच, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। ये 4 मसाले हमने डाले हैं। किचन किंग नहीं हो तो आप कोई और मसाला जो घर में होता है वो भी डाल सकते हो या स्किप कर सकते हो। घर के बेसिक मसालों से ही स्वाद बहुत अमेजिंग आता है। मसाले डालने के तुरंत बाद ही, 1 सेकंड बाद ही मैंने तुरंत ही प्योरी डाल दी है ताकि मसालों का स्वाद बदलना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। प्योरी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे जब तक ये प्योरी हमारी अच्छे से पक के तैयार नहीं हो जाती है, ऑयल रिलीज करना शुरू नहीं कर देती है। तो लगभग देखिए 3 से 4 मिनट हुए हैं मीडियम फ्लेम पर, ये अच्छे से टमाटर हमारे पक चुके हैं, प्योरी साइड से ऑयल रिलीज करने लगी है, और ये क्योंकि अभी और भी सब्जी के साथ, इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने लंबे लंबे शेप में आलू काटे हैं 3 से 4, और उसी साइज में हमने छोटे वाले जो बैंगन आते हैं ना वो लिए हैं, और लंबे शेप में हमने काट के तैयार किए हैं। दोनों को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। तो शेप आप कोई भी काट सकते हैं, बट बैंगन आलू जो इस शेप में लंबे लंबे शेप में काटेंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, देखने में। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अमेजिंग सी खुशबू आ रही है अभी से ही। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छा सा स्वाद पूरे में आ जाना चाहिए। इसे कवर करके पकाते हैं हम जब तक कि ये पक नहीं जाते हैं। तो लगभग 5 मिनट के अंदर ही ये पक चुके हैं, और बीच बीच में मैंने इसे ओपन करके चलाया है। तो देख सकते हो आप बैंगन आलू बड़े अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। अब ये परफेक्ट स्टेज है, आप चाहें तो इसको ऐसे सूखी सब्जी भी सर्व कर सकते हो। लग रही है ना अमेजिंग पास से देखने में। और क्या डाला है हमने, हल्दी मिर्ची घर के बेसिक 2-3 मसाले बस, और कुछ भी नहीं। अब ये हमें बनाना है लटपटी सी सब्जी, तो इसके लिए हम डाल रहे हैं यहाँ पर पानी। तो लगभग 1/2 से 1 कटोरी पानी मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि मुझे तो ये सब्जी ना चावल और रोटी के साथ लटपटी सी खाने में बहुत मज़ा आता है। आप सूखी भी बना सकते हो। और बस अब इसे देखिए पानी इतना डालना है आपको, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं करना है। तो लगभग इस कंसिस्टेंसी का पानी डाल के अब हम इसे फिर से पकाएंगे। पहले बैंगन आलू आपके अच्छे से पक जाने चाहिए तभी आप पानी डालिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस करने से जल्दी बन के तैयार हो जाती है सब्जी। तो फटाफट से देखिए मैंने 3 से 4 मिनट इसे कवर करके पकाया है मीडियम फ्लेम पर, और बढ़िया सा ग्रेवी तैयार हो चुका है। लटपटी सी सब्जी दिख रही है ना आपको, कितनी क्विक आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है ना। ये बैंगन आलू आप रोज़ बनाते होंगे, बट ये टेस्ट जो आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ती,
और साथ में हमने डाला है अमचूर पाउडर, साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला 1/4 स्पून। देखिए मसाले भी मैं बहुत ज़्यादा वाली क्वांटिटी में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि रोज़ मैं ज़्यादा तीखी ज़्यादा मसालेदार सब्जी खाना किसी को पसंद नहीं होती है। सिंपल साधारण सी सब्जी है, बट देखने से ना इतनी अमेजिंग और टेस्टी लग रही है कि आपको खा के आत्मा तृप्त हो जाएगी। कई बार क्या होता है, खाना ऐसा होता है कि थोड़ा ही सा ही हम खाते हैं बट मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो फटाफट से सर्व कर लेते हैं हम। लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग सी, मज़ेदार सी, और क्या डाला है ये तो आपने वीडियो में देख ही लिया है। तो अब हम इसे फटाफट से सर्व करते हैं। और मेरे खाने का तरीका ना थोड़ा सा अलग है, इसको मैंने धनिया से सर्व कर लिया है। ऊपर से लग रही है एकदम मज़ेदार लटपटी सी सब्जी। इसको खाने के लिए मेरे को तो चावल बहुत पसंद है, इसके साथ गर्मा गर्म चावल और बैंगन आलू की सब्जी। तो फटाफट से सर्व करते हैं गर्मा गर्म चावल के साथ। मैंने यहाँ पे मटर पुलाव बनाया हुआ है साथ में कच्ची ऑनियन, ये बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आपको भी इस तरीके का खाना पसंद हो तो कमेंट जरूर करना। और इसमें डाल रही हूँ ये खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी, इसकी रेसिपी ना बस कल परसों में आपको मिल जाएगी। तो अगर चैनल पर नए हैं ना, वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको ये चटनी की रेसिपी ही मैं देने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लग रहा है मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन, खा के देखो आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे तरीके से। एक बार देसी खाना है देसी लोगों के लिए।